हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का जो CSV यहाँ पे ID होता है उसका आप लोग MPIN कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर जो आप लोग MPIN इसका भुला गए हैं, ओके गाइस, अगर जो आप भूल गए हैं तो आप कैसे इसका MPIN आप लोग चेंज कर सकते हैं या तो कैसे आप लोग फॉरगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को फुल प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि लाइक आप लोग जगह जो किसी कस्टमर का यहाँ पे पैसा विड्रॉ करते होंगे तो APS के माध्यम से, जैसे इसके माध्यम से आप लोग पैसा विड्रॉ करते होंगे तो यहाँ पे आप लोग को MPIN मांगा जाता होगा। लास्ट में 4 डिजिट का MPIN जो इसमें बन के रखा है वो आप लोग को मांगा जाता होगा। या तो आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक किसी भी कस्टमर को खाता ओपनिंग करते होंगे, अकाउंट ओपनिंग करते होंगे तो यहाँ पे आप लोग को लास्ट में यहाँ पे आपका MPIN यहाँ पे पूछा जाता होगा। तो आप लोग कैसे MPIN यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं इसका, अगर जो भूल गए होंगे तो इसका कैसे आप लोग MPIN रिसेट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नया आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ये मित्रा ऐप आप लोग को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, ओके गाइस, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। सिंपली आप लोग को MPIN चेंज करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोग को जाना है। जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा माई प्रोफाइल, ओके गाइस, सिंपली इसी के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ गाइस क्योंकि मेरा ये प्राइवेट चीज़ है, ओके गाइस। देन यहाँ पे आप लोग को नीचे एक कोने में ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे फॉरगेट MPIN, और इस जस्ट इसके बगल में एक आप लोग को ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा चेंज MPIN। तो अगर आप लोग का MPIN पहले से बना हुआ है और आप लोग को पता है और आप लोग उसका MPIN आप लोग चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा MPIN बनाना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे चेंज MPIN के ऊपर आप लोग को टैप करना है। और अगर जो आप लोग को नहीं पता है कि आपका MPIN क्या है, ओके गाइस, 4 अंक का MPIN आप लोग को क्या है नहीं पता है, तो आप लोग बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग को फॉरगेट MPIN के ऊपर आप लोग को टैप करना है। सिंपली मैं यहाँ पे फॉरगेट MPIN के ऊपर आप लोग को टैप करना है, ओके गाइस। जैसे ही यहाँ पे फॉरगेट MPIN के ऊपर आप लोग टैप कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप लोग को यहाँ लिखा आ जाएगा यहाँ पे MPIN रिसेट सक्सेसफुल। ऊपर से मेरा एक नोटिफिकेशन आ गया गाइस, यहाँ पे मेरा MPIN यहाँ पे भेज दिया गया है, ओके गाइस। सिंपली मेरा MPIN यहाँ पे भेज दिया गया है जो यहाँ पे देख रहे हुए यहाँ पे लिख के आया हुआ 4 अंक का, ओके गाइस। उसके बाद 4 अंक का OTP ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में यहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे OTP आप लोग को फिल करना है, वही आप लोग को MPIN होगा। मैं यहाँ पे MPIN यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को चेंज MPIN के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे चेंज MPIN के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे करंट MPIN यहाँ पे पूछेगा, तो करंट MPIN जो मेरा यहाँ पे मैसेज द्वारा आया वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। वही आप लोग को करंट MPIN यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को न्यू MPIN यहाँ पे जनरेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म न्यू MPIN यहाँ पे फिल करना है। जो आप लोग नया बनाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे नीचे डालिएगा, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। डाल लेने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोग को सबमिट के ऊपर आप लोग को टैप करना है, ओके गाइस। सबमिट के ऊपर यहाँ पे जैसे ही टैप कीजिएगा यहाँ पे आप लोग को लिखा आ रहा होगा यहाँ पे MPIN चेंज सक्सेसफुली, ओके गाइस। यहाँ पे मेरा MPIN यहाँ पे है जो बन गया। इस तरीके से आप लोग MPIN यहाँ पे अपना इसमें रीसेट करके आप लोग बना सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।